नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली पोस्टल सर्किल ने निकाली रिक्तियां। दिल्ली पोस्ट सर्किल रिक्रूटमेंट 2021 ने 233 ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पद के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 फरवरी 2021 तक www.appost.in/gds-online पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। राजधानी पटना में टूटा ठंड का रिकॉर्ड। 3 फरवरी तक शीतलहरी से राहत नहीं। सूबे में बर्फीली हवा ने लोगों को कपकपा दिया है। बीते 5 दिनों से पछुआ शीतलहरी बहने के कारण न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण बिहार में कनकनी बढ़ी है और पारा लुढ़क गया है। राजधानी पटना में ठंड ने बीते 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 फरवरी तक ठंड से लोगों को कोई राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। 4 फरवरी के बाद पछुआ हवा से थोड़ी राहत मिल सकती है। रविवार को पटना का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री रहा। आपको बता दें कि बीते 10 वर्षों में दूसरी बार पटना का तापमान इतना कम रहा। वहीं गया का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में होगी बदलाव। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद ही नियुक्त किया जाएगा। प्रारंभिक स्कूलों में छठे चरण के तहत 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों को नियुक्त करने से पहले हर अभ्यर्थियों को TET और CTET में उत्तीर्णता की भी जांच की जाएगी। सभी डिग्री की जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा। शिक्षा विभाग जल्द ही इसे आयोजित करने की तैयारी में है। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पहले होगी और काउंसलिंग के दौरान ही उनकी डिग्रियां ली जाएंगी, जिसे वेबसाइट पर आगे की जांच के लिए अपलोड किया जाएगा। आपको बता दें कि पुराने सिस्टम के तहत नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद ही ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता था, जिसके बाद प्रमाण पत्रों की जांच होती थी। मगर अब शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया में और भी ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए इस सिस्टम को बदलने की तैयारी में जुट गई है। सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। बिहार निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर निर्णय लिया है। फैसले के अनुसार राज्य सरकार के किसी भी विभाग में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी पंचायत चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी किसी उम्मीदवार के प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं। यदि ये संविदा कर्मी किसी प्रत्याशी के प्रस्तावक भी बनते हैं तो उस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आयोग ने शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी के चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी है। इस बार के पंचायत चुनाव में पूर्णतः या आंशिक सहायता लेने वाले कर्मचारी भी नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग का मानना है कि शिक्षक और कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारी चुनाव जीतकर दोनों पदों का लाभ उठा सकते हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जल्द ही इसकी सूचना पब्लिक फोरम पर जारी कर दी जाएगी। खगड़िया बना बिहार का पहला कोरोना मुक्त जिला। बिहार के खगड़िया जिले ने कोरोना को मात दे दी है। खगड़िया जिले में एक्टिव केस की संख्या वर्तमान में 0 हो चुकी है, यानी कि कोरोना संक्रमित एक भी एक्टिव मरीज जिले में नहीं रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात है कि राज्य के 13 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या नाम मात्र के बराबर हो चुकी है। जमुई, बक्सर, कटिहार, किशनगंज, शेखपुरा, लखीसराय, मधेपुरा, भोजपुर, जहानाबाद, मुंगेर, नवादा, पश्चिमी चंपारण व रोहतास, इन सभी जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 10 से भी कम है, जबकि राजधानी पटना में अभी भी खतरा नहीं टला है। पटना में फिलहाल सबसे ज्यादा 722 एक्टिव केस है। राज्य में 98.95% रिकवरी रेट के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 1,247 हो गई है। आपको बता दें कि ये आंकड़े 30 जनवरी 2021 तक के हैं। बिहार पुलिस जवान की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर का हुआ निर्धारण। बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग के द्वारा केंद्रों का निर्धारण तय कर दिया गया है। अलग अलग ट्रेनिंग के लिए अलग अलग सेंटर्स भी बनाए गए हैं। सिपाहियों के लिए बेसिक ट्रेनिंग के लिए फिलहाल 9 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के अलावे कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल सिमुलतला का चयन किया गया है। वहीं पुलिस सब इंस्पेक्टर और उनसे ऊपर के पुलिस अधिकारियों को राजगीर के पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग दी जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने देर रात की सीएम नीतीश से मुलाकात। बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले राजनीतिक हलचल भी तेज है। अब रालोसपा के जदयू में विलय होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि देर रात रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीते 6 वर्षों में इस तरह देर रात उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की थी। दोनों के बीच मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने इसे महज व्यक्तिगत मुलाकात बताया और कहा कि व्यक्तिगत तौर पर संबंध खराब नहीं हो सकते हैं। वहीं पिछले 1.5 महीने में सीएम से दूसरी मुलाकात से इनकी पार्टी के जदयू में विलय होने के कयास लगाए जा रहे हैं।
मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में होगी बीजेपी की मीटिंग। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक करेगी। इस बैठक में भाजपा कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं के साथ ही मनोनीत किए गए एमएलसी के भी नाम शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। बैठक में भाग लेने के लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित प्रदेश संगठन के नेता रविवार को ही दिल्ली पहुंच गए। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि राज्य में नई सरकार बनने के 2.5 महीने बीतने के बाद भी अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार पहले भी भाजपा पर विलंब करने का आरोप लगा चुके हैं। अब फरवरी के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के 63 सीनियर विधायकों को मिला सरकारी आवास। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 63 विधायकों को सरकारी आवास आवंटित किया है। ये 63 सीनियर विधायक ऐसे हैं जो दो बार से अधिक बार निर्वाचित हुए हैं और इन्हें सरकारी आवास इस बार अलॉट किया जा रहा है। इनमें से सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक, विरोधी दल के प्रधान सचेतक, बिहार विधानसभा के सचेतक और मंत्री को सेंट्रल पूल से आवास आवंटित किया जा रहा है। इससे पहले 43 विधायकों को आवास अलॉट कर दिया गया था। सरकारी आवास के आवंटन में नव निर्वाचित महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के लिए पूर्व विधायकों को सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस भी भेज दिए गए हैं। रियल एस्टेट कंपनियों को 60 दिनों के अंदर देना होगा वार्षिक हिसाब। कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार की ओर से तमाम रियल एस्टेट कंपनियों को प्रोजेक्ट का वार्षिक हिसाब देने के लिए 1 महीने की छूट दी गई थी, जो कि अब समाप्त हो गया है। अब रियल एस्टेट कंपनियों व बिल्डरों को 2020 के सारे प्रोजेक्ट्स का हिसाब 60 दिनों के अंदर देना होगा। मार्च महीने तक ब्यौरा नहीं देने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा 60 दिन बीत जाने के बाद कंपनी एक्ट के माध्यम से भी इन कंपनियों से जुर्माना वसूला जाएगा। बिहार के लगभग 1,350 निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए 700 के करीब रियल एस्टेट कंपनियों को वार्षिक हिसाब देना है। महिलाओं को मिलेंगी नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा। देश भर में लागू होने वाले बजट में महिला सशक्तिकरण के कई बातें पेश किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत देने की बात कही है। नाइट शिफ्ट के दौरान महिला कर्मचारी को पर्याप्त सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएंगी। अपने भाषण में एमएसएमई सेक्टर में भी बजट बढ़ाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया जाएगा जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा। किसानों को लाभ देने के लिए बजट में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम बनाया जाएगा जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। राजद नेता आज करेंगे ममता दीदी से मुलाकात। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद अब राजद पश्चिम बंगाल में अपनी किस्मत आजमाने वाली है, जिसके तहत आज राजद के कई नेता ममता दीदी से मुलाकात करने वाले हैं। इसके तहत राजद ने राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक कोलकाता दौरे पर गए हैं और आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात होगी। ये दोनों नेता 3 दिनों तक पश्चिम बंगाल में रहेंगे। ममता बनर्जी से आरजेडी नेताओं की मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेगी। हालांकि ममता दीदी से आज होने वाली मुलाकात के बाद यह साफ हो पाएगा कि क्या आरजेडी बंगाल की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगी या नहीं। 18 फरवरी से खेला जा सकता है विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद अब भारतीय घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज हो सकता है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी द्वारा क्रिक बच को दिए गए बयान के मुताबिक 18 फरवरी से टूर्नामेंट हो सकता है। लीग मैच मुंबई, बड़ौदा, कोलकाता, इंदौर, बेंगलुरु और कोची में हो सकते हैं। इस बात की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। विजय हजारे ट्रॉफी में 38 मेंस और 37 वुमेन्स की टीम को 6 क्लस्टर में बांटा जाएगा। एक क्लस्टर की टीम एक वेन्यू पर मैच खेलेगी। ज्यादातर मैच दिन के ही समय खेले जाएंगे। विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से 34 दिनों तक चलेगी। कपिल शर्मा के घर फिर से गूंजी किलकारी। कपिल शर्मा के घर एक बार फिर से किलकारी की गूंज सुनने में मिली है। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने इस बात की खुद जानकारी आज सुबह सुबह ट्वीट करके दी है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि नमस्कार, आज सुबह हमें भगवान के आशीर्वाद के रूप में एक बेटा मिला है। ईश्वर की कृपा से बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ हैं। आपके प्यार और दुआओं के लिए सभी का शुक्रिया, गिन्नी और कपिल। अपने ट्वीट के साथ ही कपिल शर्मा ने हैशटैग ग्रेटिट्यूड का भी इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने साल 2018 में गिन्नी से शादी की थी, जिसके बाद उन्हें एक बेटी हुई थी। वहीं अब कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी ने बेटे को जन्म दिया है। हालांकि अब उनके फैंस उनके बेटे का नाम जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने कपिल शर्मा से उनकी फोटो की मांग की है।
तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट से आप संतुष्ट हैं या नहीं। तो आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखें बिहारी न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।